भाषा लिपि और व्याकरण। बच्चों, मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वह संकेतों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। संकेतों मतलब इशारों से। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। आरंभ कर दिए मतलब शुरू कर दिए। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसके फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। वर्तमान समय में भाषा का अत्यधिक महत्व है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ होती हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का कार्य करती हैं। परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा के रूप। भाषा के रूप मतलब भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ टाइप्स। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जो बोलकर या सुनकर व्यवहार में लाया जाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा का ऐसा ही रूप है जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना, सुनाना, फोन पर बातचीत आदि। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जो लिखकर व्यवहार में लाया जाता है, लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा का स्थायी रूप है जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, एसएमएस करना आदि। भाषा के इन दोनों माध्यमों के अतिरिक्त संकेतों द्वारा भी भाव प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है, जैसे हाथ हिलाकर किसी को बुलाना, हाथ मिलाकर मना करना, भूख लगने पर बच्चे का रोना आदि। परंतु हिंदी व्याकरण में हम सांकेतिक रूप को भाषा नहीं मानते। व्याकरण में भाषा के मौखिक और लिखित रूप को ही सम्मिलित किया गया है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। संवैधानिक मात्रा मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी तरफ से इनको मान्यता है। जो भारतीय संवैधानिक जो मान्यता है उनमें जो भाषाएं हैं वो है हिंदी, मलयालम, गुजराती, मराठी, असमिया, नेपाली, बांग्ला, उड़िया, बोडो, संस्कृत, डोगरी, पंजाबी, कश्मीरी, संथाली, कन्नड़, तमिल, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, तेलुगु, मणिपुरी, उर्दू। हमारे देश में उपरोक्त सभी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु सबसे अधिक समझी और बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। सरकार के सभी कार्य हिंदी में किए जाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत की तरह संसार में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी आदि। परंतु पूरे संसार में अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। लिपि मतलब स्क्रिप्ट जिसे बोलेंगे। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित होते हैं, यह चिन्ह लिपि कहलाते हैं। परिभाषा, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाब की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, नेपाली की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, बांग्ला की बंगाली और मराठी की लिपि देवनागरी। व्याकरण, व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसमें भाषा के अनुशासित वाले करने वाले नियम होते हैं। इन नियमों के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जा सकता है। उदाहरण, मैंने खाना खा लिया हूँ, तुम कहाँ जाना है, मोर नाच रही है,
राम खाना खाती है। बच्चों ये चारों सेंटेंस गलत हैं, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत हैं। इनको शुद्ध जो है वो होना चाहिए, मैंने खाना खा लिया है, तुम्हें कहाँ जाना है, मोर नाच रहा है, राम खाना खाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा की शुद्धता एवं एकरूपता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू चिल्ड्रन।